लगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर एक्सोर्बिटेंट देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की GST, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार बाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के BJP को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन सदन में इन नेताओं को धन्यवाद न्योता। और ये संदेश सर, ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, बोलो बोलो सर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूँगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया आपके माध्यम से। मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन अपन डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल की लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे, बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का 3rd largest अपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलनजीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे हैं, सर अभी आ रहे सर, नीट के घोटाले से लेके GST के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, मामाटी मानुष इज द मैग्ना कार्टा of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I have been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Manush of the country. Hamare kisan apni maveshi ko, apni fasal ko maa ki tarah poochte hain, jis khet mein wo hal chalate hain us zameen ko naman karte hain. But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? Iska jawab agar aap desh ke kisan se poochenge, to wo aapko yahi baat bolenge ki chai se shuru hui thi sarkar aur gaay pe atak gayi aur vikas ki mausi 10 saal mein raaste mein bhatak gayi. Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years
इट इज अ 9 ईयर हाई। सर किसान खुद क्या खाएंगे, अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे? सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहाँ गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। NCERB की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए दैट देयर इज अ फॉडर क्राइसिस इन इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्टर हैज हिमसेल्फ स्टेटेड इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा दैट यस द कंट्री इज डेफिसिट इन फॉडर। सो इट मींस दैट काउज आर डाइंग विदाउट फूड इन गवर्नमेंट ओन्ड गोशालास स्पेशली द बीजेपी रूल स्टेट। 74,000 cattle had died at Panjra Pools in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. So, sir, pehle khana hi nahi mila, fodder crisis. फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉर्डर इन्फ्लेशन। और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट विच स्टेटेड दैट 32.7 लाख कैटल वेर इन्फेक्टेड बाई द वायरल लंपी स्किन डिजीज अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड अ वोपिंग 2.4 लाख कैटल डाइड विद इन मंथ्स। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर एक है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 24.46% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। बट सिंस द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इट हैज सक्सेसफुली टर्न द कंट्री फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क टू एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क। In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014. And now rupees 56 per liter in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per liter. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. Aam aadmi ke doodh, chhach, lassi, dahi, paneer par 5% ki GST. क्रीम कंडेंस्ड मिल्क मक्खन घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है।